देखो भाई आज का ब्लॉग अपना कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है एक फ्यूल पंप के पास से, और देखो उधर का नज़ारा क्या ही मस्त आ रहा है। हर बार तो स्टार्ट करते हैं हम रूम से, तो इस बार सोचे थोड़ा अलग होना करना बनता है। आज का राइड बहुत लंबा होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहो। और ऑब्वियस है भाई, ज़्यादा लंबा जा रहे हैं, 200 किलोमीटर जा रहे हैं, तो अकेले तो नहीं होंगे, तो मेरे साथ मेरे भाई भी है पीछे, देखो। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, अपना राइड कंटिन्यू करते हैं। तो भाई देखो अपनी टाइम को और इतनी टाइप का मतलब होने वाला है लॉन्ग राइड, क्योंकि मेरी बाइक की टाइम जब तक फिल होती है मतलब हम लॉन्ग राइड करते हैं। अरे देखो रास्ता आपको पता चल रहा है, अपना जो ये राइड हो रहा है ना एकदम सडनली प्लान हुआ है, और अपना ये तो राइड हो रहा है ना रिस्क में राइड हो रहा है, क्योंकि भाई बाइक की सर्विसिंग चाहिए था, उसका जो लेटर पैंट भी खराब है, और अभी हम मार्केट में होलसेल लगाए ही नहीं है, तो क्या लोग लगे मतलब सडनली प्लान करना ना, तो ये कितना चढ़ रहा है। अभी हम लोग हैं हजारीबाग वाले रास्ते पे, और अभी हम लोग सीधे हजारीबाग निकलेंगे। ज़्यादा रेस्ट ले लेना है, कंटिन्यू चलना है, क्योंकि हमें पहुंचना है जिस स्थान पे जा रहे हैं 6 बजे तक, और अभी समय हो चुका है 1:30। चलो बने रहो हमारे साथ राइड मजे ले, और अभी मौसम भी खराब कर दिया और ये क्लाउड वेदर ना राइड में और चार चांद लगा दे रहा है भाई, जो नज़ारा आ रहा है ना वो इंसेन है भाई। हजारीबाग, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो मिलेगा हजारीबाग सिटी। हम लोग कंटिन्यूसली 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं, तो आगे कुछ अच्छा जगह मिलेगा वहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुकना होगा। तो हमें ना हजारीबाग तक का रास्ता पता था, लेकिन इधर आगे का रास्ता पता नहीं है, तो हमें मैप के भरोसे चलना पड़ेगा। तो भाई 120 किलोमीटर कंटिन्यूसली चलने के बाद रुके हैं एक छोटा सा ब्रेक पे। देखो हमारा भी हालत ख़राब, पाछा का हालत ख़राब हो गया है, देखो ये इलेक्ट्रल ले रही भाई जंगल के बीच पे रुके हैं, ये स्थान कौन सा है वो भी नहीं पता है। देखो इधर का रास्ता ना उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जिस तरह से हजारीबाग वाला रास्ता था ना अच्छा, हम सोचे थे वैसा ही रास्ता होगा इधर भी, लेकिन वैसा नहीं है भाई। यहाँ पे हल्का सा रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे आगे, सीधे हम लोग जाएंगे पारसनाथ। पारसनाथ हालांकि आज नहीं जाएंगे, पारसनाथ हम लोग अगले दिन जाएंगे, ऐसा प्लानिंग है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, तो चलो देखो बने रहो हमारे साथ। ब्यूटीफुल प्लेस हम सोचे नहीं थे कि होगा कोनार डैम, तो विजिट करने आओ, हमें तो बहुत मजा आ रहा है भाई। गोपुर का बैटरी खत्म हो गया, क्या करें, तो देख रहे हो डैम से पानी कितना निकल रहा है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं जीटी रोड पे, ये है NH-19 और इस पर अब अलग ही थ्रिल होगा भाई। और अभी हम लोग का ना डिस्टेंस बाकी रह चुका है 58 किलोमीटर, और हम लोग सोचे थे 6 बजे तक पहुंचेंगे, लेकिन 5:47-48 यहीं पर हो गया है, तो चलो कवर करते हैं जल्दी से।
हूँ मैं आगे, क्या ये पारसनाथ है? आप देख रहे हो पूरा आसमान चोटी को छू रहे हो भाई साहब, इतनी व्यू देख रहे हो, क्या ही लाजवाब भाई साहब। ये हम लोग का सेकंड टोल मिला है, एक मिला था रामगढ़ वाले रास्ते पे, बोलते हजारीबाग वाले रास्ते पे, और ये एक मिला। चलो भाई समय बहुत अधिक होता जा रहा है, हम लोग तो धीरे धीरे हो रहे हैं, शाम हो चुका है, अंधकार होने से पहले हम लोग को पहुँचना अपने रूम, हम लोगों ने बुक कर लिया है।